मैंने अमेजोन से 5 स्मार्टफोन के गैजेट्स मंगवाए हैं जो 100 रुपए से कम में आते हैं और आप कह सकते हैं कि वे काफी एसेंशियल है और काफी यूजफुल है। तो देखते हैं ये 5 स्मार्टफोन के गैजेट्स कौन से हैं। मेरा नाम है संचित शौकीन और आप देख रहे हैं टेक बार। तो पहला गैजेट है ये एक मोबाइल चार्जिंग स्टैंड है और इसका प्राइस है 98 रुपीज। इसका यूज ये कि हमारे चार्जिंग पॉइंट के साथ ये ऐसे फिक्स हो जाता है और आप अपना फोन इस पे रख सकते हैं चार्जिंग के समय। अब ये उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल है जिनका चार्जिंग पॉइंट उनकी टेबल या फिर उनके बेड से काफी दूर है, जिससे रात को चार्जिंग पे इसको लगा के छोड़ दो तो कोई टेंशन की बात नहीं रहेगी। वैसे मुझे चार्जिंग पॉइंट के पास कोई टेबल नहीं मिलती तो मैं चार्जर के ऊपर ही अपना फोन छोड़ देता था और उसको ऐसे ही चार्जिंग पे लगाए रखता था। मे बी इसके आने के बाद मैं इसको यूज करूं और मेरा फोन थोड़ा सा सेफ रहे। मुझे इसमें सिर्फ एक ही कमी लगी कि पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है और इस पे जब भी हम फोन रखते हैं तो काफी स्लिपरी हो जाता है और फोन गिरने के चांसेस रहते हैं, तो थोड़ा केयरफुली हमें फोन रखना पड़ता है। पर मेरे हिसाब से 98 में काफी यूजफुल सी चीज है ये। अगर आप खरीदना चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दूसरा गैजेट है ये थम्सअप मोबाइल स्टैंड। इसका प्राइस 85 रुपीज है और मेरे हिसाब से ये बहुत ही यूजफुल है। ये पूरे सिलिकॉन का बना हुआ है और इसका यूज ये है कि आप किसी भी फ्लैट सर्फेस पे अगर इसको रखते हो तो ये आपके फोन को होल्ड कर लेगा वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली। अब इमेजिन करो अगर आपको मूवी देखनी है तो आप हॉरिजॉन्टली इसको ऐसे होल्ड करवा सकते हैं, या आपको वीडियो सेट करनी हो तो आप इसको कहीं पे भी रख सकते हैं और वीडियो सेट अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल स्टिल ये आपके फोन को रखेगा। अब इसके ऐसे बहुत सारे यूजेस है और अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो मेरे हिसाब से काफी अच्छी है, काफी स्ट्रॉन्ग सा है। सिलिकॉन होने की वजह से आपके फोन भी थोड़ा सा प्रोटेक्टिव रह जाता है। मैं तो इसे अपने डेस्क सेटअप पे रखूंगा और 85 रुपीज के हिसाब से तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। नेक्स्ट गैजेट ये सेल्फी स्टिक है। इसका प्राइस 99 रुपीज है। अगर हम इसको स्ट्रेच करते हैं तो बहुत सारी रेसिस्टेंस फील होती है। इन शॉर्ट बिल्कुल भी स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं है और आई गेस यही इसकी सबसे बड़ी कमी है। बट अगर आपको कोई सेल्फी स्टिक चाहिए और आप उस पर ज्यादा पैसे नहीं खर्चना चाहते तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और साथ के साथ मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि आप ऑनलाइन मत खरीदना, किसी ऑफलाइन स्टोर पे जाकर आप खरीदते हैं तो आपको ज्यादा बेटर क्वालिटी वाली मिल सकती है। और अगर आप आलसी हो मेरी तरह तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर खरीद सकते हैं। नेक्स्ट गैजेट ये स्टाइलस है। इसका प्राइस 99 रुपीज है और अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो मेरे हिसाब से काफी अच्छी है। और जैसे कि मैंने बताया ये स्टाइलस है, इन शॉर्ट ये एक पेन है आपके फोन के लिए। आप इसका यूज करके अपने फोन में ड्रॉ कर सकते हैं या फिर हम इसको नॉर्मल फोन चलाने के यूज में भी ले सकते हैं। ये काफी छोटा सा गैजेट है, अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा इसको अपने साथ कैरी करें तो आप अपने हेडफोन जैक में इसको ऐसे फिट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से काफी यूजफुल सा डिवाइस, काफी सारी कंडीशन में आपके काम आ सकता है। अगर आपका काफी सारे ड्रॉ करने का काम है तो आप इसको जरूर खरीद सकते हैं। अब लिस्ट में लास्ट चीज है एक डाटा केबल। ये एक माइक्रो यूएसबी डाटा केबल है जो कि एंड्रॉइड में यूज आती है और इसमें खास ये है कि ये पूरी 3 फीट लंबी है। जैसा कि आपको पता है हमारे ज्यादातर डिवाइसेस माइक्रो यूएसबी ही सपोर्ट करते हैं, तो इतनी बड़ी केबल होने का काफी सारे यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ट्रेवल कर रहे हैं और आपके पास पावर बैंक है, ये डाटा केबल इतनी बड़ी है कि आप इसको अपने पावर बैंक में लगाओ या फिर अपने पावर बैंक को पॉकेट में फिट करो या फिर बैग में पीछे छोड़ दो और आप चलते चलते अपने पावर बैंक को यूज कर सकते हो। और ऑब्वियसली दूसरा यूज ये है कि अगर आपका चार्जिंग पॉइंट आपके बेड से दूर है तो आप इस डाटा केबल का यूज कर सकते हैं। होप आपको मेरे 5 एसेंशियल प्रोडक्ट पसंद आए हो। अगर आए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उधर से खरीद सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बाहर ऑफलाइन मार्केट में आप जाकर खरीदो क्योंकि उधर से आपको ज्यादा सस्ते मिल सकते हैं ये सेम चीज है। लास्ट में आपको यही कहना चाहूंगा कि सारे प्रोडक्ट मैं अपने पैसों से खरीदता हूं, मुझे कोई भेजता नहीं है, जिससे मैं आप लोगों के लिए कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। और एक और सरप्राइज डेस्क सेटअप वीडियो आप लोगों के लिए आने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।